हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी अपना आय जाति या फिर निवास किसी भी दोस्तों जनसेवा केंद्र के माध्यम से या फिर दोस्तों किसी CSC लोकवाणी केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन कराते हैं और ऑनलाइन कराने के बाद दोस्तों आपको ये नहीं पता होता है कि हमारा जो आय जाति निवास है वो दोस्तों भी बना है या फिर नहीं बना है, तो इसका स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा या आप किस प्रकार से घर बैठे ही अपना आय जाति निवास बना है या फिर नहीं बना है उसका स्टेटस घर बैठे कैसे चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर आ जाना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे तो इस तरीके से हमें सर्च करना है और सर्च करते ही ई डिस्ट्रिक्ट दोस्तों हमारे सामने ओपन होकर आ जाती है, यानी कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारी स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मिलता है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, सिटीजन लॉगिन, JAB पंजीकरण और LTG लॉगिन। तो ई डिस्ट्रिक्ट दोस्तों उन लोगों के पास होती है जो कि दोस्तों जनसेवा केंद्र धारक हैं, उनके पास ई डिस्ट्रिक्ट की ID होती है, वही लोग दोस्तों आपका जाए जाते निवास जो है बनाकर आपको देते हैं। तो दोस्तों हमें उसका हिस्ट्री कैसे चेक करना है आज की वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो आपको नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे दो, एक तो आवेदन की स्थिति और दूसरा आपको प्रमाण पत्र सत्यापन। जब भी दोस्तों आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाता है स्टेटस चेक करने के लिए आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसके बाद जब आपका आवेदन स्वीकृत होकर आपके पास आ जाता है तो आपको उसका सत्यापन करने के लिए सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। लेकिन आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि हमारा जो आवेदन है वो बना है या फिर नहीं बना है, तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आवेदन की स्थिति। अब जैसे हम आवेदन की स्थिति पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन को खुलकर आता है एंटर एप्लीकेशन नंबर। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ मिलता है, ये दोस्तों वहाँ पर मिलता है जहाँ पर दोस्तों आपका ऑनलाइन आवेदन हुआ है, यानी आपने जिस भी जनसेवा केंद्र से अपना ऑनलाइन आवेदन कराया है वहीं पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिलता है। लेकिन दोस्तों किसी किसी कंडीशन में जब भी आपने फॉर्म को ऑनलाइन कराते हैं और जो मोबाइल नंबर देते हैं तो उस पर एक मैसेज आ जाता है जिसमें दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। तो मैं दोस्तों आपको वह मैसेज दिखा देता हूँ किस प्रकार का मैसेज होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप चेक कर पाएंगे कि कुछ इस तरीके से आपके सामने मैसेज आता है आपके मोबाइल फ़ोन पर। इसमें लिखा होता है AXUPE गवर्नमेंट, इसमें लिखा होता है योर इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो इनकम होगा, कास्ट होगा तो कास्ट होगा, और डोमिसाइल होगा तो डोमिसाइल यहाँ पर लिखा होगा। तो ये इनकम सर्टिफिकेट है और इसका दोस्तों रेफरेंस ID इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो आप इस प्रकार से अपने इनकम सर्टिफिकेट का रेफरेंस ID यानी कि आवेदन नंबर एप्लीकेशन नंबर यहां से देख पाएंगे और इसी एप्लीकेशन नंबर को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो जैसे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेते हैं उसके बाद आपको पोर्टल पर आने के बाद आपको इसमें फिल कर देना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ। दोस्तों एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर लेते हैं तो हमें दोस्तों यहाँ पर जो सर्च का बटन दिया गया है इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करके इसे दोस्तों सर्च कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पर इसे सर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है जहाँ पर दोस्तों हमें मिलता है आवेदन की स्थिति। तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्लैक रंग से यहाँ पर लिखा होता है कि आवेदन पत्र जाँच प्रक्रिया में है तथा यहाँ पर लेखपाल का नाम या फिर तहसीलदार का नाम जिसके पास भी होगा उसके पास आपको यहाँ पर अग्रेषित कर दिया गया है, उसका नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और नीचे आपको सेवा में आपका आय प्रमाण पत्र नंबर, आवेदन संख्या, आवेदक का नाम, जिस भी नाम से आपने अपना जो आय जाति निवास बनवाया है उनके पिता का नाम, और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप उसका विवरण देखना चाहते हैं पूरा दोस्तों कि अभी जो है करंट में किसके पास है अभी ये फॉर्म, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है विवरण देख क्लिक विवरण हेतु यहाँ पर क्लिक करें। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पॉपअप विंडो आपकी मोबाइल फ़ोन में ओपन होकर आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर विवरण हेतु यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक पॉपअप विंडो हमारी स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कार्रवाई का विवरण। कार्रवाई के विवरण में दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो फॉरवर्ड है वो किसके द्वारा हुआ है और उसका नाम यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद जो तहसीलदार हैं उनके पास किस डेट में गया है और तहसीलदार ने दोस्तों यहाँ पर तहसीलदार साहब ने जो भी यहाँ पर फॉरवर्ड किया है लेखपाल साहब को वो किस तारीख में फॉरवर्ड हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों जब लेखपाल साहब रिपोर्ट लगाकर तहसीलदार साहब को दोबारा भेज देंगे तो उनकी डेट यहाँ पर आ जाएगी और तहसीलदार साहब दोबारा से जब यहाँ पर चार नंबर के ऑप्शन में अपनी रिपोर्ट लगाकर
सब यहाँ पर जो जनसेवा केंद्र धारक हैं उनके पास भेज देंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, तब आपका एप्लीकेशन यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो अभी लेखपाल के पास दिखा रहा है तो यहाँ पर आवेदन स्वीकृत और दोस्तों प्रमाण पत्र तैयार हो चुका है, इस तरीके का मैसेज आपको दिख जाएगा। तो समझ लीजिए आपका आवेदन जो भी जनसेवा केंद्र धारक हैं उनके पास आ चुका है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे आप किस प्रकार से अपने आवेदन का स्टेटस दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की नई से नई वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।